हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज पूरा विश्व वर्ल्ड टोबैको डे मना रहा है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के सेवन से विभिन्न अंगों में होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगर मैं फेफड़ों की बात करूँ तो तंबाकू के सेवन से मरीज में सांस चलने की शिकायत, खांसी, बलगम होना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं और इस बीमारी को हमारी भाषा में COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर उनमें ये बीमारी होती है तो उन्हें ये लक्षण शुरू होने के बाद में डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, ताकि डॉक्टर उनकी बीमारी का समय रहते पता लगा पाए और वो सही दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर सके, ताकि वो व्यक्ति उन दवाइयों के साथ में अपना जीवन सरल और सुगम रूप से व्यतीत कर सके। धन्यवाद।